अस्सलाम वालेकुम। हाय नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो? आज कटहल की सब्जी बनाने जा रहे हैं। देखें रा जैकफ्रूट, देखें ये जो है टाइट वाला हिस्सा हमने निकाल दिया है दोस्तों। देखें ये है पोटल और आलू, ये इसका छिलका जो है हमने निकाल दिया है। अभी ऑनियन कट कर लिए हैं, देखें ऑनियन को स्लाइसिंग कट करें। अभी जो है दोस्तों ऑयल लेना है, ऑयल गर्म हो चुका हमारा। ऑयल पे जो है ये पोटल और आलू डाल के अच्छे से इसको जो है फ्राई करना है। इसमें हल्दी डाल दिया हमने, टर्मेरिक पाउडर 1 टीस्पून और साल्ट 1 टीस्पून डाल दिया। डालने के बाद में जो है उसको ऑयल में फ्राई करना है। ऑयल में से थोड़ा ढक दिया था हमने, अभी देखें थोड़ा फ्राई हो रहा है, यानी 7 से 10 मिनट ढक दो, बीच बीच में चलाते रहें। आलू पोटल जो है हमारा फ्राई हो जाना चाहिए, ब्राउन कलर आ जाना चाहिए। ब्राउन कलर आने के लिए चलाते रहना है बीच बीच में। देखें अभी जो है हमने निकाल लिया है एक प्लेट के। अभी जो है जैकफ्रूट को ऑयल में फ्राई करना है। ऑयल में जैकफ्रूट को जो है 70% फ्राई करना है। ये टर्मेरिक पाउडर हमने ले लिया है 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून जो है सॉल्ट हमने लिया है। उसको जो है अच्छी तरीके से मिक्स करना है दोस्तों। अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है रा जैकफ्रूट। देखें कटहल जो है हमारा हिचड़ कटहल जो है वो फ्राई हो चुका है ऑलमोस्ट हाफ। उसको और थोड़ा फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद में जो है कारी की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह। देखें हमारा जो है कटहल जो है फ्राई हो गया ऑयल में। अभी जो है हमने निकाल लिए हैं दोस्तों। कारी कैसे बनाते हैं आप सब देखें। ये जो है रेसिपी बहुत ही सिंपल, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है दोस्तों। आप लोग बनाएं घरों में, होटलों में, ढाबा में बनाएं, खाएं, बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। देखें ऑयल में जो है अभी हमने रेड चिल्ली, सौंफ, मेथी, काला जीरा लिए हैं दोस्तों। और इसके साथ में अभी हमने ग्राम इलायची और चिन्नामोम स्टिक यानी पट्टा सब जो है थोड़ा मिक्सी में थोड़ा रा पेस्ट करके डाल दिया है। और ये है बे लीव्स। डालने के बाद में जो है ऑयल में जो है खुशबू आने तक थोड़ा लाड़ते रहना है। लाड़ने के बाद में जो है ऑनियन डाल दिया हमने। ऑनियन ब्रून होने तक इसे जो है पकाना है। ऑनियन जो है चलाते रहना है बीच बीच में। ऑनियन ब्रून होएगा तो कारी बहुत ही लाजवाब बनेगा दोस्तों, ये ध्यान में रखें। ऑनियन जो है हमारा ब्रून हो रहा है। अभी जो है हमने मसाला ऑलमोस्ट सब सेट करके रखे हैं। वो मसाला अभी जो है ऑनियन ब्रून होने के बाद में डालेंगे। देखें जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है 80 ग्राम हमने दिए हैं। वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट के साथ में जीरा, साबुत जीरा, सरसों यानी मस्टर्ड सब साथ में पीस लिए थे जिंजर गार्लिक के साथ में। ये देखें 1 टेबल स्पून चिल्ली पाउडर, 1 टेबल स्पून टर्मेरिक पाउडर, 1 टेबल स्पून टेस्ट ऑफ साल्ट सब साथ में लेके मिक्स कर रहे हैं दोस्तों। देखें इसके साथ में जो है कश्मीरी चिल्ली पाउडर 1 टेबल स्पून हमने जो है ऐड कर रहे हैं। देखें एवरेस्ट का कश्मीरी चिल्ली पाउडर हमने ऐड किया। ये है कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया पत्ता, हरा धनिया पत्ता। हरा धनिया हमने डाला है 50 ग्राम के आसपास। देखें अभी जो है इसमें मसाला को अच्छी तरीके से पकाना है।
मसाला अच्छी तरीके से पक जाने के बाद में जो है इसमें वाटर दे रहे हैं। वाटर जो है हमने अभी 50 ml दिए हैं दोस्तों, उसे जो है मसाला अच्छी तरीके से पक चुका था। उसके बाद में थोड़ा पानी दे के अच्छी तरीके से ग्रेवी जो अंदर नीचे ना बढ़ जाए इसलिए थोड़ा पानी दे रहे हैं। अभी थोड़ा चलाने कलर देखे दोस्तों, बहुत ही लाजवाब कलर आया है हमारा करी का। देखे दोस्तों हमारे जो चैनल में नए व्यूअर्स हैं, नए व्यूअर्स प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक और शेयर करें दोस्तों। देखें अभी जो है हमने कटहल और आलू पटोल डालना है। हमारा मसाला ऑलमोस्ट तैयार हो चुका था। देखें अभी जो है इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे दोस्तों, टेस्ट जो है सुपर आएगा, ब्यूटीफुल टेस्ट आएगा। देखें अच्छी तरीके से जो है हमने मिक्स कर रहे हैं, आप लोग भी अच्छी तरीके से मिक्स करें। इसके ऊपर जो है भुना हुआ यानी फ्राइड क्यूमिन पाउडर, देखें दोस्तों जीरा, भुना जीरा पाउडर जो है ऊपर अप्लाई कर रहे हैं मैंने। आप लोग भी भुना जीरा पाउडर जो है घरों में किसी भी कारी में अप्लाई करें, टेस्ट जो है बहुत ही सुंदर आएगा, स्वादिष्ट बनेगा कारी। देखें दोस्तों अभी जो है हमने पानी करीबन 400 ml तक डाल दिया कारी में, अच्छे से मिक्स करके उसे जो है ढक देना है। राजक फ्रूट यानी कि कटहल का जो सब्जी है बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। आगे जो है आप लोगों को किसी भी तरह का रेसिपी चाहिए तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिखें। कोई भी करी, कोई भी ड्राई आइटम, कोई भी तंदूरी आइटम, कोई भी चाइनीज़ आइटम चाहिए ज़रूर कमेंट करें दोस्तों। और आज तक के लिए इतना ही, हमारा ग्रेवी जो है, करी जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गया। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।